हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर उदयपुर में मनशापूर्ण हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन हो रहे हैं। यहां कई वर्षों से चली आ रही परंपरा को जीवंत रखते हुए श्री मनशापूर्ण मित्र मंडल द्वारा 1111 मीटर की मेवाड़ी पगड़ी हनुमान जी को धारण कराई जाएगी। हनुमान जी की इस पगड़ी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसके बाद यह पगड़ी हनुमान जी को धारण कराई जाएगी। शोभा यात्रा रवाना होने से पहले मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ भी श्री मनशापूर्ण हनुमान जी के दर्शन को पहुंचे। लक्षराज सिंह मेवाड़ ने हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की और भगवान को भोग भी लगाया। इस दौरान मंदिर में मौजूद पुजारियों ने भी विधि विधान से पूरा पूजन सम्पन्न करवाया। पूजन के बाद लक्षराज सिंह जी की मौजूदगी में शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। लक्षराज सिंह मेवाड़ के मंदिर में आने के दौरान बड़ी तादाद में भक्तों की भी भीड़ पहुंच गई। इस दौरान श्री मनशापूर्ण मित्र मंडल द्वारा लक्षराज सिंह मेवाड़ का मेवाड़ी पगड़ी और उपरने से स्वागत किया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर दर्शन लाभ मिलने से लक्षराज सिंह मेवाड़ भी खासे प्रसन्न नजर आए और उन्होंने पुरानी परंपराओं को जीवंत रखने वाले इस मंडल की तारीफ भी की। ये बात है कि आज हनुमान जी का बुलावा आया और ऐसे पावन अवसर पर मुझे उनके दर्शन करने का मौका मिला। मैं बिल्कुल ही अभिभूत हूँ, बहुत खुश हूँ और ये प्यार जो लोगों का भी देखकर जो है वो उसके भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा दिन मुझे मिल नहीं सकता था हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे आज इस तरह की तैयारियाँ की गई है, मेवाड़ की पगड़ी जो है वो हनुमान जी को लगाई जाएगी 1111। नहीं देखिए, परंपराएं हैं जो अरसों से जो है वो चली हुई आ रही है, आज भी लोग उन परंपराओं के अंदर अपनी एक आस्था को रखते हैं, मन को रखते हैं और इस जोश उल्लास और जुझारूपन और कर्मठता से आज इस त्यौहार को मना रहे हैं। इसको देखकर मेवाड़ अभिभूत है। हनुमान जन्मोत्सव का सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती का पर्व बड़ी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अभी हनुमान जी को पंचामृत का अभिषेक धराया गया। अभी हनुमान जी की एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें भाग यात्रा है, वो भाग हनुमान जी को धराई जाएगी। अभी उसके बाद शाम को महाआरती रखी गई है और छप्पन भोग का आयोजन रखा गया है। उसके बाद नैमराज अष्टी व्यायाम समय भोजन प्रसादी रखी गई है जिसमें सभी भक्त प्रसादी का आनंद लेंगे और भजन संध्या का आनंद लेंगे।